हेलो 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 संजय जी, हेलो हेलो संजय जी, हेलो संजय जी, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। सर बड़ी देर में आपने जवाब दिया। संजय जी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। एक मेल आया है हमारे पास, मैं अभी पढ़ रहा था, गो थ्रू किया मैंने, अभी परसों का मेल है वो। संजय जी, आपके दोस्त हैं मनोज, वो गलती से आपके अकाउंट में उन्होंने 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं। हाँ, पता है पता है। हाँ सर, मैं उसी बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। वो हुआ क्या था कि उन्होंने गलती से आपको 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, फिर उन्होंने मेल लिखा है हमको कि भैया मेरा दोस्त है और मेरा अच्छा दोस्त है, गलती से इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि आपके पास उनके तो अकाउंट डिटेल है ही, आप उनको 5,000 रुपये वापस कर दो सर। हेलो, हेलो। हाँ जी सर, 5,000 रुपये आप वापस कर दीजिए क्योंकि उन्होंने बैंक को मेल लिखा है, पूरा शिकायत की है। अरे कर दूंगा यार, इतनी क्या जल्दी है। सर वो बैंक के पीछे पड़े हुए हैं ना, वो बैंक के पीछे। अब ये देखिए, मैंने तो उनसे कहा था सर आपके दोस्त हैं, आप उनसे बात करो, लेकिन पता चला आप फोन नहीं उठा रहे उनका। ठीक है सर, मैं कर दूंगा, आप थोड़ा टाइम दो सर मुझे। थोड़ा टाइम में उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अर्जेंसी में मेल लिखा हुआ है कि बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मतलब आप उनके दोस्त हैं, आप उन फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उन्होंने उन्होंने फिर अल्टीमेटली ना बैंक को कांटेक्ट किया है। अरे फोन नहीं उठा रहे हैं तो मेरे घर में कौन कौन बीमार है, मैं इसलिए नहीं फोन उठा रहा था। नहीं सर, आप उनको मैसेज कर दो ना कि भाई मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा। अरे वो मरा क्यों जा रहा है यार, साला दे दूंगा वापिस। तो सर आप मेरे को एक एक एस्टिमेटेड टाइम बता दो, आप कब तक वापस कर दोगे ताकि बैंक बीच में से हट जाए। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं कर दूंगा। आप पक्का कर देंगे सर? हाँ मैं कर दूंगा, आप टाइम दीजिए थोड़ा। सर पक्का कर देंगे? अरे यार उसकी क्या जिंदगी लुट रही है 5,000 में सर साले मैं ये नहीं में। कह रहा, वो बैंक पे प्रेशर डाल रहे हैं ना, वो बैंक पे प्रेशर डाल रहे हैं। आज शाम तक कर देंगे आप? हाँ कर देंगे। अकाउंट डिटेल है आपके पास? हाँ भाई सब है, मैं कर दूंगा। ठीक है सर, इसमें ये भी है, इसमें एक दूसरा ऑप्शन है। क्या अगर आप मतलब इसमें ये होता है, जैसे आप देखिए, ये तो बैंक को ही पता है, ठीक है, कि उनका पैसा आपके पास आ गया, आपके दोस्त का 5,000 रुपये, क्योंकि बैंक को इंटीमेट कर दिया उन्होंने। सर इसमें ये है कि अगर आप एज अ क्लाइंट हमारे बैंक के, और बैंक 50-50 कर लेते हैं ना, 2,500-2,500 रुपये, तो हम ना बीच में से ये ख़त्म कर देंगे कि उनके अकाउंट से आपके अकाउंट में आए हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। कितने कितने होंगे? 2,500-2,500 रुपये, मतलब 2,500 आपको मिल गए, 2,500 बैंक को मिल गए। इसमें हुआ क्या, उसको पता नहीं चला आपके दोस्त को, मतलब आप बैंक ये बोल देगा कि नहीं उनके अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आपको 2,500 हमें देने पड़ेंगे बैंक को। ठीक है सर, ठीक ठीक है ना? कौन सा वाला ऑप्शन लेंगे आप? है। 2,500 वाला जी 2,500 वाला? सर ठीक है, अच्छा दोस्त है सर आपका ये? था। अच्छा था, ठीक है सर मैं इसको कर देता हूँ सर, फिर पक्का है 2,500 आपके, 2,500 बैंक के, ठीक है सर। ओके okay। लेकिन सर आप उसको बताना मत क्योंकि आपका दोस्त है ना, कि बैंक ने 2,500 लिए हैं और आपने लिए हैं, ठीक है। मैं उसका फोन ही कहाँ उठा रहा हूँ। अच्छा फ़ोन नहीं उठा रहे, वैसे घर पे सब ठीक ठाक है? अरे मुझे पैसे वापस नहीं करने थे, घर में कोई बीमार नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया है सर, बढ़िया, दोस्ती दोस्ती बढ़िया है सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है, ओके। ओके। हेलो मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं से बोल रहा हूँ। मैडम आपकी कार की सर्विस ड्यू थी तो मैंने सोचा आपको याद दिला दूँ। हम लास्ट टाइम भी आपने जब भिजवाई थी तो उसमें कुछ फ्यूल इंजेक्शन में जी। प्रॉब्लम आ रही थी, तो हाँ गाड़ी आप जी, भेज हाँ जी, दीजिए हाँ जी, सर्विस के लिए। जी। एक्चुअली अभी मेरा ड्राइवर जो है वो आउट ऑफ टाउन गया हुआ है, तो वो 2-3 दिन में आ जाएगा, मैं तब भिजवा दूंगी गाड़ी। ओके, थोड़ा सा कंफर्म कर देंगे मैडम, 2 या 3 दिन में आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे फाइल बना दूंगा, 2 या 3 दिन में। अभी तो उनका पक्का है नहीं, एज सच कुछ बोल के गए नहीं है, बट आप एस्टिमेट ले लीजिए ना, दो 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 दिन तीन दिन दो में दो 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 दिन तो वहाँ कहाँ गए मैडम, कहाँ गए? वो यूपी के साइड गए हैं। यूपी के साइड गए हैं? अच्छा, तो हाँ यूपी के साइड किस जगह एग्जैक्टली गए? फरुखाबाद शायद। अच्छा फरुखाबाद, फरुखाबाद। फरुखाबाद, कितने बजे, हाँ जी। कितने बजे निकल लेंगे फरुखाबाद से? अरे मतलब नहीं कह रही हो ना मैं मैं यहाँ पे फिर 3 दिन फाइल बना दूंगा ना, अंदाजन बता दो कितने बजे निकल लेंगे फरुखाबाद से। यार, मुझे कैसे पता होगा, वो गए होंगे अपने हिसाब से 3-4 बजे, जब भी मैं थोड़ी पूछती हूँ। अच्छा गाड़ी से आ रहे हैं, गाड़ी से गए हैं, बस से गए हैं?
यार मुझे नहीं पता, बस से गए होंगे। अच्छा बस से गए, कौन सी बस से गए, कब तक आ जाएंगे, कौन सी बस से गए ये? यार मुझे फरुखाबाद तो यही चलती है, फरुखाबाद तो यही चलती है ना, यूपी रोडवेज से गए। मेरी बात सुनिए, मैं ऑफिस में हूँ, मुझे नहीं पता, मैं बोल रही हूँ दो तीन दिन में गाड़ी भिजवा दूंगी। अच्छा किसके हाथ भिजवाएंगे आप, ड्राइवर के हाथ भिजवा देंगे ना? जी जी, अच्छा, वो वापस आएगा तो मैं भिजवा दूंगी। तो जब वो आ जाएंगे तो कितने बजे निकल देंगे घर से, ताकि मैं यहाँ पे फाइल बना दूँ, मतलब आपके घर से कितने बजे निकल लेंगे ये? यार अब मैं ऑफिस में हूँ, आप क्यों, आप क्या कर रहे हो ये? नहीं मेरे को बस ये बता दो ना, मैं आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, फाइल बनवानी है। जब आप ये कह रहे हो ड्राइवर आएगा, तो ये कितने बजे निकल लेगा गाड़ी लेके आपके पास से हमारे? मैं आपको दोपहर पे भिजवा दूंगी। दोपहर में कितने बजे, 2:30-3 बजे का रखूं बीच में? 2 बजे के करीब। 2 बजे के करीब कौन से रूट से आ रहे हैं ये? आप लाजपत नगर रहते हो ना, रिंग रोड? मुझे पता ही नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं ड्राइवर आएगा मैं उसी से बात कर लेना। अच्छा कितने बजे बात कर लूं उनसे जब ड्राइवर आएगा, तो सुबह से लेकर शाम तक का कोई टाइम? क्या कर रहे हो, मैं आपको 3 बार बोल चुकी हूँ मैं ऑफिस में, मेरा बॉस चिल्ला रहा है। आप पता, आप कौन से ऑफिस में मैडम, कौन से ऑफिस में हो आप? मैं आपकी कॉर्पोरेट ब्रांच में हो या गुड़गांव वाले में हो, किस में हो आप? मैं हूँ डिजिटल। डिजिटल डिजिटल देख रहे हैं आप, डिजिटल एज अ व्हाट देख रहे हैं, क्या आपका डिजिग्नेशन क्या है? मैनेजर हूँ मैं। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर या मैनेजर? मैनेजर। मैनेजर भैया फोन रख दीजिए यार प्लीज, मेरे हेड आ गए। ये किस चीज के हेड है, सेल्स के हेड है या डिजिटल के हेड है जो आए हैं? या मैं नहीं कर सकता। क्या नाम क्या है, बॉस का नाम क्या है मैडम, बॉस का नाम क्या है? संजय नाम है। संजय ये कहाँ रहते हैं, संजय कहाँ रहते हैं, संजय कहाँ रहते हैं वैसे दिल्ली में? नहीं पता मुझे, नहीं पता, मुझे गाड़ी भी नहीं सर्विस करवानी यार, आप फोन काट दो। अच्छा आपको गाड़ी क्यों नहीं सर्विस करवानी, क्या ठीक हो गई है, पहले कहीं करवा ली आपने? भैया इतनी देर से तमीज से बात कर रही हूँ तो आपसे झेला नहीं जा रहा है क्या? आपने, मैं यही पूछा था, बदतमीजी से भी बात करते हैं तो मैं यहाँ फाइल में नोट कर लेता हूँ ना, एक आदमी होता है सिर्फ तमीज से बात करता है, एक आदमी होता है सिर्फ बदतमीजी से बात करता है। चलिए मैं फोन काट देता हूँ यार, मैं फोन काटता हूँ, आप जहाँ चाहे सर्विस करवाओ यार, मैं तो मुर्गा बना, मैं सुन भी नहीं रही यार। ठीक है ठीक है, बाय मैडम, बाय। हेलो, ये अजय जी? हाँ जी बोल रहा हूँ। अजय नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? सर रणबीर बोल रहा हूँ, ये ड्राइवर की जरूरत थी ना आपको, ड्राइवर की? कैसे नंबर दिया आपको? सर ये आपके कोई जान पहचान के हैं, मैं नाम तो भूल गया हूँ, ये जिनका ये नहीं है अपना, ये बरात घर के पास घर है, कम्युनिटी हॉल के पास घर है, उन्होंने मेरे को बताया था आपको ड्राइवर की ज़रूरत है, मैं आप खाली था, मैंने कहा सर से बात कर लेता हूँ। हाँ ज़रूरत है, कौन सी गाड़ी चलाई तुमने? मैंने सर ज़्यादातर चलाई है ऑटोमेटिक चलाई है, मैनुअल चलाई है, अभी जो जिनके यहाँ कर रहा था 6 साल के वहाँ पे किया है, फॉर्च्यूनर थी उनके पास। अच्छा अच्छा, आ जाऊं सर मैं आपके पास अभी? नहीं नहीं, दिल्ली के रास्ते तुम्हें पता है सारे रास्ते वास्ते क्लियर हैं सारे? सर रास्ते का तो ये है, रास्ते तो मेरे को दिल्ली, मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। यहीं थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी सर उसमें, आ जाऊं सर अभी मैं आपके पास? नहीं नहीं, आपको पहले पूरा बात तो सुन लो यार। हाँ आपको ये ड्रिंक ड्रिंक करते तो नहीं हो? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ड्रिंक तो नहीं करते सर ऐसे, कभी कभी मतलब ये है पार्टी वार्टी में, वो भी मैं मना कर देता हूँ दोस्तों, बिल्कुल रेयर, बहुत कम सर, बहुत कम। आ जाओ सर अभी मैं आपके पास। नहीं नहीं, एक मिनट, और ये कुछ गुटखा वुटखा तो नहीं खाते हो मतलब ऐसे कुछ गाड़ी में बैठते? नहीं सर मेरे को वैसे मेरी वाइफ को पसंद नहीं है। नहीं 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 सर, मेरे को वैसे ही गंदा लगता है वो गुटखा खाना, वो मुंह निकाल के थूक रहे हैं, मेरे को वैसे ही चिड़न होती थी। तो सर लास्ट मैंने फॉर्च्यूनर चलाई है, और दिल्ली का लाइसेंस है सर, लाइसेंस भी मैंने दिल्ली से बनवाया था, वैसे तो GPS है लेकिन सर रटे हुए हैं दिल्ली के रास्ते सर, यहीं पैदा हुए हैं मेरे, तो मेरे पापा भी यहीं पे मतलब दिल्ली से ही है सारे। तो वही कोई गारंटर वारंटर है कि नहीं, मतलब मैं तो, मैं अभी तुम्हारा फोन आया, थोड़ी होता है कोई गारंटर है जो तुम्हारा रहता हूँ यहाँ पर? सर गारंटर तो ऐसे सच कोई नहीं है, मतलब मैं आ जाऊँ आपके पास अभी? नहीं ऐसे तो काम नहीं बनेगा, अभी आ जाना, फिर रुक जाओ, पूरा बात तो पूरी कर लो, जल्दी बहुत जल्दबाजी में हो गया नहीं वो सर, मैं आपके पास टाइम नहीं है ना, आप बड़े आदमी हो, मेरे पास तो रहती है, मैंने कहा अभी सर घर में, टाइम दे के बात कर रहा हूँ तो सुन लो, बोलने तो मुझे भी। I'm sorry सर, हाँ जी। अरे चाय ले आओ मेरे लिए। सर मैं चाय नहीं पीता हूँ सर। अरे अपने लिए मंगा रहा हूँ भाई। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। सर मैं गारंटर, सर मैं एक बात, एक काम करते हैं ना, मैं किसी दिन आ जाता हूँ जब भी टाइम होगा आपको, एक दो किलोमीटर आप चलो मेरे साथ, थोड़ा आइडिया हो जाता है। ठीक है यार, पहले कोई केस वेस नहीं, पुलिस पुलिस को मारा? अरे नहीं सर, नहीं 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 सर, उसका तो बहुत ख्याल रखते हैं। तो खाने पीने में क्या है, शौक है तुम्हारे, नॉनवेज खाते हो? सर नॉनवेज बहुत कम खाते हैं सर, बहुत कम खाते हैं, मेरे को तो वैसे भी नॉनवेज मना कर रखा है डॉक्टर ने, मैं तो वेज पे ही खा रहा हूँ आजकल, वेज ही खा रहा हूँ। सर कब से ज्वाइन कर लूँ? कर लेना ज्वाइन, और बताओ फिर आके अपने बारे में और कुछ।
घर में मतलब शादीशुदा हो या फिर नहीं बच्चे हैं या फिर क्या है, कुछ तो बताओ। हाँ सर, शादीशुदा हूँ सर। चलो, और इससे पहले कहाँ नौकरी करते थे तुम? इससे पहले सर हम यही थे, ये हमारे ये पहाड़गंज में रहता हूँ सर, पहाड़गंज में मखीजा जी थे। इनकी 3 साल गाड़ी चलाई है, फॉर्चूनर ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों है इनके पास। I-20 है मैनुअल में, फॉर्चूनर ऑटोमेटिक में है। अच्छा ठीक है, तो गारंटर तो दिलवा दो मेरे को। सर गारंटर मैं नहीं दिलवा सकता सर, बाकी आप सैलरी वैलरी भी कम करोगे तो मैं कह रहा हूँ गारंटर नहीं है सर मेरे पास, आई एम सॉरी सर। अरे यार जहाँ चलाइए उनसे भी बात करा दो ना, तो मखीजा जी से। ओ सर उनकी तो डेथ हो गई सर मखीजा जी की, वरना मैं उनसे गारंटी दिला देता। उनके तो मेरे को तो बड़ा सैड हुआ है, मेरे को तो बड़ा अफसोस हुआ था। 4 साल गाड़ी चलाई सर उनके। सॉरी सर, माफ करना, कैसे हुई इनकी डेथ, कैसे हुई? कार एक्सीडेंट से। कार एक्सीडेंट से? हाँ जी। गाड़ी कौन चला रहा था? मैं ही चला रहा था सर। वो हुआ क्या, मेरा वाला तो खुल गया एयरबैग, वो पीछे में मखीजा जी बैठे थे उनका नहीं खुल पाया। अच्छा सर ये इसका भी ना रीज़न है, आपको लग रहा होगा अजीब सा कि यार एक्सीडेंट कैसे हो गया। मेरा ना वो रेडियो चल रहा था, वो गाना आ गया सूदिंग, बड़ा प्यारा मोहम्मद रफ़ी का, मेरी लग गई आँख। अच्छा मेरा मूड था, मैं ना थक भी रहा था उस दिन, मेरा मेरे को लग रहा था कम से कम आधा घंटा तो मारूँ नींद पूरी। वो 5 मिनट में ही आँख लग के ना ठा करके ट्रक पर लग गया। मैं एकदम उठा, मैंने कहा यार बड़ी जल्दी खुल गई, एंड मखीजा जी तो नो मोर। आ जाऊं? ये तू क्या, मैं से जॉब मांग रहा है तेरे को? मैं रखना सर, मेरे को नौकरी नहीं करनी सर, मैं मेरे को नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए तेरे को यहाँ पर। ऑफिस में छुट्टी लेना सबको पसंद है, लेकिन बहानों की भी एक लिमिट होती है। अभी जिसको हम फोन कर रहे हैं उसका नाम है, और उसी के एक दोस्त राहुल ने हमें बताया है कि ये हर बार ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए अपने किसी रिश्तेदार को मरवा देता है। थोड़ा टाइम पहले इसने बोला था इसके फूफा जी की डेथ हो गई है, अब ये कह रहा है इसके ताई जी की डेथ हो गई, उसको फ्यूनरल पे जाना है। ऐसे नहीं चलेगा, थोड़े तो मजे लेंगे। राबिया कॉल करो उसे। ऑल राइट। हेलो हेलो, या दिस इज राइट? यस। हाँ जी, मैं आपकी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। हाँ जी बताइए। तो आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया राइट? हाँ जी, हाँ जी करिए। अच्छा अच्छा, सो आई हर्ड आपके कोई रिलेटिव एक्सपायर हुए हैं और समथिंग? हाँ जी हाँ जी, मेरे ताया जी एक्चुअली वो एक्सपायर हो गए थे। तो अच्छा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो आपने एक दिन की छुट्टी मांगी राइट? नहीं एक्चुअली 2 दिन की चाहिए होगी, वैसे मैं मतलब एक ही दिन की लेता, बट यू नो मेरे को राजस्थान जाना पड़ेगा उनके फ्यूनरल के लिए। ऑफ कोर्स आई टोटली अंडरस्टैंड, यू मस्ट बी गोइंग थ्रू सो मच एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। और मतलब इतना बुरा लग रहा है कि मेरे एक बार सीनियर को भी आपको यू नो ही हैज टू पे कंडोलेंसेस टू यू, तो एक बार सीनियर से बात कर लो मेरे, ठीक है? हेलो, हाय सर। हेलो, बहुत दुख हुआ मुझे पता लगा। जी सर, हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था सर। आप कैसा फील कर रहे हैं अभी, घर पे सब कैसा फील कर रहे हैं? सर माहौल तो वैसे ही है सर, थोड़ा वही है, टेंस ही है। अचानक हो गया सर, रात को पता ही नहीं चला। अच्छा, सुबह तक मुझे पता चली तो फिर लेट ही हो गए थे हम लोग। तो आपके चाचा जी की एज क्या थी? चाचा जी सर 50+ थे। अरे आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से चाचा जी बोल दिया, आपके तो ताया जी की डेथ हुई है ना? तो हाँ मतलब हाँ ताया जी, मतलब डेथ तो ताया जी की हुई है। वो मतलब आप कैसे पूछ रहे हो चाचा जी का? ताया जी का तो मतलब हो गई थी, ज़्यादा उम्र हो गई थी उनकी तो। तो आज आप निकल कब रहे हैं? आज निकल रहे हैं, कल निकल रहे हैं फ्यूनरल के लिए? नहीं आज ही निकलना पड़ेगा, आज रात को ही निकल रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे थे आप? राजस्थान। अच्छा राजस्थान में कहाँ पे? ये इतना जयपुर के पास, मतलब जयपुर में। जयपुर के पास, जयपुर में। अच्छा ठीक है, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो सिर्फ एक ऑफिस नहीं है, वो एक फैमिली है, और इस वक्त आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए मैं हेड एचआर मिस्टर अग्निहोत्री खुद उस फ्यूनरल पे आपके साथ खड़ा रहूँगा, ताकि आपको जब भी एक कंधे की ज़रूरत हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो आज रात को कितने बजे निकलना है बताइए? मतलब आप भी जाएंगे? साथ चलेंगे, इनफैक्ट मैं आपको खुद ड्राइव करके लेके जाऊंगा। नहीं सर मतलब ऐसे साथ की ऐसे कोई जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा आप क्यों सर इतना प्रॉब्लम मतलब फेस करोगे? आप भी खामखा बहुत दूर जाना है, आपने सर फोन कर दिया ये बड़ी बात है। और एक्चुअली वो हम फैमिली वगैरह निकल रहे हैं ना आज रात को।
इसीलिए आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ हूँ तुम्हारे, तुम एक काम करो, तुम फैमिली के साथ पहुँच जाना, मैं पीछे पीछे गाड़ी में तुम्हें फॉलो कर लूंगा। नहीं सर, आप कहाँ तक फॉलो करोगे, मतलब समझ रहे हो आप, एक्चुअली मैं आप राजस्थान आने की, जयपुर आने की कह रहे हैं ना आप, तो हाँ तो सर वो जो मैं बताना भूल गया आपको कि जयपुर में तो मतलब अब मेरे जो ताए जी हैं वो रहते थे मतलब वहाँ पे। अच्छा, अभी हमारा फ्यूनरल जो हो रहा है वो पुजारी से बात हुई थी, तो वो होगा उनका चेन्नई में, तो चेन्नई मुझे जाना पड़ेगा, समझ रहे हो आप, तो चेन्नई तो आपको दूर पड़ जाएगा ना अगर आप जाओगे तो फिर। अच्छा, तो आपको चेन्नई जाना है फ्यूनरल के लिए। हाँ, चेन्नई जाना पड़ेगा। उफ, ठीक है, तो किसी तरह ऐसा कर लेंगे, अगर अगर मेरा आना पॉसिबल नहीं है तो हमारी एक ब्रांच चेन्नई में भी है, मैं वहां से दूसरे एचआर को भेज देता हूँ। नहीं सर, किसी को ऐसे परेशान करने की जरूरत ही नहीं ना सर, हमारी परेशानी की कोई बात ही नहीं है यार, परेशानी की, हम लोग फैमिली है सर, परेशान तो हो जाएंगे। सुख दुख में कौन साथ खड़ा होता है आप मुझे बताओ, फैमिली ना। हाँ सर, फैमिली है मेरे साथ मेरी, मतलब नहीं नहीं हम भी फैमिली हैं। नहीं सर, आप हो मतलब मैं उस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वही है ना फिर उधर से खामखा ऑफिस से कौन उनको लेके आएगा जाएगा। अच्छा, एक बात सुनो, तुम नहीं कर पाएंगे। बात सही कह रहे हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, लेकिन जो तुम्हारा कलीग है ना राहुल जी, वो जी, तुम्हारी जी, फैमिली बिल्कुल नहीं है। राहुल, राहुल ने क्या किया सर? एक्चुअली राहुल ने रेडियो मिर्ची पे जो पंकित है उसको बता दिया कि तुम झूठ बोल के छुट्टी ले रहे हो फ्यूनरल का, अभी तुमने ताया जी को मरवा दिया है अपने, 4-5 महीने पहले तुम अपने फूफा जी को मरवा चुके हो, तुम्हारा फैमिली ट्री खत्म हो जाएगा भाई, थोड़ा कम झूठ बोलो, छुट्टी ले लो, लेकिन कोई और बहाना भी सोच लो भाई हर बारी। अरे इसने सारी चीजें बता दी क्या आपको? सब पता है। आप एक सुनो, आप एक काम कर सकते हो यार, प्लीज मेरा नाम हटा दोगे, वो अगर ऑफिस में पता चल गया तो वाकई में दिक्कत हो जाएगी मुझे। हाँ नहीं नहीं हटा देंगे, वरना ताया जी को जिंदा होना पड़ेगा, नाम हटा देंगे तुम्हारा, ऑफिस वाले सुन लेंगे दिक्कत। और अभी किसने एचआर, किसने फोन किया था? हेलो हाय। अरे आप एचआर हो, कौन हो? नहीं नहीं नहीं, ये एचआर नहीं है, ये राबिया है हमारे साथ ही है, ये भी इनकी आवाज बिल्कुल मेरी एचआर जैसी है, तो मेरे को तो लगा भी है इसलिए मैं डर गया था। ठीक है ठीक है सर, चलो तुम जहां भी जा रहे हो भाई मजे करो, और रोते हुए सेल्फी जरूर डाल देना है ताकि शक जो है वो यकीन में बदले, ठीक है? तो ले लो ना पाजी छुट्टी। हाँ ले लो छुट्टी ले लो। ठीक, ओके, बाय बाय। हेलो, हेलो जैन साहब। हाँ जी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर, आपकी सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे कभी मुलाकात नहीं हुई, तो आपको चलते फिरते देखा है मैंने, मैंने अपनी वाइफ से भी कहा था कि जैन साहब से कभी बातचीत नहीं हुई, मैंने कहा चलो फोन पे बात कर लेते हैं। मैं इसी सोसाइटी में, B282 ब्लॉक में, B282 बी ब्लॉक, B282। 2 साल पहले हुए थे जब आप शिफ्ट हुए, मैंने कहा भी था अपनी वाइफ से, मैंने कहा बुलाओ भाई जैन साहब को कभी, तो क्या होता है आजकल काम वाम में हर इंसान लगा हुआ है, आप भी बिजी हो मैं भी बिजी हूँ, तो मैंने कहा आज आज बात कर लेते हैं। जैन साहब, बेटे की शादी है 16 तारीख की। अरे अरे हाँ, मतलब ये था कि धन्यवाद जी धन्यवाद, तो मतलब ये एक ही बेटा है, तो चाहत थी, कई दिन से मान भी नहीं रहा था, तो क्या करता है आपका बेटा, क्या करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अब तो 3 साल हो गए जॉब करते हुए। क्या बात है, क्या लड़की जबलपुर से है, क्योंकि हमारे रिलेशन जबलपुर में भी है ना, वहां से लड़की है। बस ये है कि भगवान कर दे सब कुछ ठीक ठाक, आप भी प्रार्थना करना। अरे बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा सर, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 16 का रिसेप्शन है, 16 तारीख का रिसेप्शन है फार्म हाउस में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी, 700 के करीब लिस्ट है, 700 लोग आ रहे हैं। तो मैं, तो रहे हैं, हाँ मैंने कहा बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं काफी। नहीं बड़ी है, क्योंकि ये है कि बेटा फिर हमारी चाहत थी कि शादी बड़ी करें, मतलब उसमें काफी जितनी है, मतलब आप समझ सकते हो औलाद की खुशी के लिए सारी खुशी है, तो मैंने सोचा जो कुछ है मतलब वो बेटे के लिए है, तो एक बार होती है, खर्चा तो करना पड़ता है। वाह वाह, आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो, एज अ बाप आप समझ सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो रिश्ते की लाइन तो वैसी लग जाती है। हाँ जी हाँ जी, तो 16 का रिसेप्शन है शाम में, 8 बजे का टाइम रखा है हमने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस आप चलो, आपसे आज तक मुलाकात भी नहीं हुई थी ना आपसे? अरे बिल्कुल कोई बात नहीं, आप आएंगे तो मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं शादी के काम में बड़ा बिजी चल रहा हूँ, ये निकल जाती हैं सुबह चांदनी चौक अपने वो सूट वूट लेने कुछ होते हैं इनके दुल्हन के, मेरा अपना वो, मैं ये है कि मैं अपना बावर्ची और ये सारे काम देखने पड़ते हैं, क्योंकि मेन्यू लंबा चौड़ा रखा है, तो
अरे कोई मेरी जरूरत तो बताना मेरे को, मेरे काफी मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल बताऊंगा, मैं आपको बता, यही अपनापन है, यही अपनापन है कि आदमी मतलब अपनों को ही बता सकता है। तो 16 का रिसेप्शन है, शाम 8 बजे का हमने टाइम दे रखा, मतलब 8 बजे देखते हैं तो फिर 9 बजे तक लोग आते हैं। मैंने कहा थोड़ी सर्दी भी शुरू हो जाएगी तो 8 बजे शाम में। अरे बहुत को आप लोकेशन भेज देना, मैं आ जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। आप क्यों आ जाओगे? हेलो, आप क्यों आ जाओगे? तुमने तो बुलाया? नहीं नहीं, मैंने बुलाने के लिए थोड़ी किया है, मैंने तो ऐसी हाय लो करने के लिए किया। हमारे अपने अपने हैं, 700 बहुत हो गए हैं। तो आपने मुझे फोन क्यों किया है? यही बताने के लिए, बेटे की शादी है 16 की। नहीं, तुमने फोन तो ऐसे किया है जैसे आप मेरे को इनवाइट कर रहे हैं, रेपुटेशन है यहाँ पर मेरी सोसाइटी के। किसने कहा है? मैंने आगे जिला सेक्रेटरी नहीं, इनवाइट करने की कोई टोन होती है? इनवाइट करने की कोई टोन होती है? हमारे अपने लोग हैं यार, आप बुरा क्यों मान रहे हो? तो मिले नहीं हो, ऊपर से बुरा मान रहे हो आप। ये क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, नहीं तो नहीं बुला रहे। अरे मैं बस ये कह, मैंने सिर्फ, हाँ आपने आपने कहा ना कि फिर 16 को क्यों क्यों मिलते हैं 16 को, नहीं क्यों मिलते हैं 16 को, नहीं मिल रहे हमारे अपने अपने। तुम फोन रखो यार, बेवकूफ इंसान, मेरा टाइम खराब कर रहा है। सुबह सुबह काम पे जाए, तुम्हारी बात सुने, काम पे जाओ, काम पे जाओ, मुझे भी बात नहीं करनी, मुझे करनी नहीं है, करनी नहीं है। ठीक है, आप बदतमीजी मत करो यार, बदतमीजी मत करो, नहीं मिलना आपसे, मिलना ही नहीं, शादी नहीं, वैसे भी नहीं मिलना आपसे। ठीक है भाई, मैं फोन काट दिया, फोन बेवकूफ इंसान।